तो जैसे कि आपको पता होगा इंस्टाग्राम पे अगर हम किसी की स्टोरी देखते हैं तो उसे तुरंत पता चल जाता है कि आपने उसकी स्टोरी को देखा। पर दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी की स्टोरी को चुपके से देखना चाहते हैं ताकि उसे पता ना चले। तो दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिसमें आप चुपके से उसकी स्टोरी देख भी लेंगे और उसे पता भी नहीं चलेगा। इसके लिए मैं आपसे कोई भी ऐप डाउनलोड करने के लिए नहीं बोलूंगा, ना ही मैं किसी वेबसाइट पे जाने के लिए बोलूंगा। मैं जो भी आपको करके दिखाऊंगा वो इंस्टाग्राम ऐप पे ही करके दिखाऊंगा। तो क्या है ट्रिक और इसे कैसे करना है मैं सब कुछ आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, तो उसके लिए आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। आप में से बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा ये तो मुझे पहले से ही पता है, ये तो बच्चों वाली ट्रिक है। तो जिन्हें ये बच्चों वाली ट्रिक लग रही है उनके लिए कोई बात नहीं, पर बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू डू। मैं हूं अनुज और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेक्निकल मास्टर अनुज। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे आप सीक्रेटली तरीके से किसी की भी स्टोरी देख सकते हैं, वो भी उसे बिना पता चले। तो इसके लिए आपको चलना पड़ेगा मेरे फोन की स्क्रीन पे एंड मैं वहां पे आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाता हूँ कि कैसे आपको ये ट्रिक अप्लाई करनी है। तो चलिए चलते हैं फोन की स्क्रीन पे। तो हम आ चुके हैं अपने फोन की स्क्रीन पे एंड आप लोगों को सही से समझाने के लिए मैंने यहाँ पे दो इंस्टाग्राम अकाउंट यूज किए हैं। मैंने पहला इंस्टाग्राम अकाउंट अपने इंस्टाग्राम ऐप में ओपन कर रखा है एंड दूसरा जो अकाउंट मैंने है वो यहाँ पे इंस्टाग्राम ऐप में ओपन कर रखा है। तो हम क्या करेंगे, अपना जो दूसरा इंस्टाग्राम अकाउंट है उस पर हम स्टोरी ऐड करेंगे और फिर उसके बाद अपने पहले इंस्टाग्राम अकाउंट से उस स्टोरी को देखेंगे। तो चलिए मैं स्टोरी सबसे पहले यहाँ पे ऐड कर देता हूँ अपने दूसरे वाले अकाउंट। तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी स्टोरी नहीं लगी हुई है। तो चलिए मैं यहाँ पे स्टोरी ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ से मैं कोई भी एक पिक ले लेता हूँ। तो चलिए मैं ये पिक अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे ऐड कर देता हूँ और मैंने यहाँ पे ये स्टोरी ऐड कर दी एंड ये स्टोरी हमारी जो है वो ऐड हो गई। एंड देखते हैं ये पोस्ट हुई कि नहीं हुई अभी। तो हाँ, ये पोस्ट भी हो चुकी है एंड उसके बाद क्या करना है, हमें बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको जो आपका जिस अकाउंट से आपको देखना है ये स्टोरी उस अकाउंट को ओपन कर लेना है। तो मैं यहाँ पे अपना पहला अकाउंट ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया है और यहाँ पे आपको 1 से 2 मिनट वेट करना है ताकि आपकी जो सारी स्टोरी है वो लोड हो जाए। तो यहाँ पे 1 से 2 मिनट आपको वेट कर लेना है। वेट करने के बाद आपको क्या करना है, आपको सिंपली बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको अपना इंटरनेट बंद कर देना है। बंद करने के बाद आपको फिर से अपना वो अकाउंट ओपन कर लेना है जिससे कि आपको स्टोरी देखनी है। तो चलिए मैं अपना पहला इंस्टाग्राम ओपन कर लेता हूँ और फिर उसके बाद हम वही जो स्टोरी मैंने लगाई थी अपने सेकेंड अकाउंट पे एंड वो यहाँ से हम देखेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने यही पिक लगाई थी और यही यूजर नेम है, आप देख सकते हैं। और मैंने यहाँ पे ये स्टोरी देख भी ली एंड उसके बाद मैं बैक आ जाता हूँ। बैक आने के बाद मैं बिल्कुल ही बैक चला जाता हूँ। उसके बाद क्या करना है, आपको बैकग्राउंड जो इंस्टाग्राम अकाउंट खोला था उसे आपको क्लीन कर देना है। क्लीन करने के बाद आपको सिंपली अपना इंटरनेट ऑन कर लेना है एंड ऑन करने के बाद आपको अपने सेकंड वाले अकाउंट पे जाना है और देखना है कि वहाँ पे सीन हुआ या नहीं हुआ। तो चलिए मैं देखता हूँ सीन हुआ कि नहीं हुआ। तो अपनी स्टोरी पे जाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी सीन अभी नहीं ऐड हुआ है कि किसी ने भी अभी ये स्टोरी नहीं देखी है। चलिए मैं इसे रिफ्रेश भी कर लेता हूँ एक बार। आप सोच रहे होंगे कि ये ऐसे ही है, तो मैंने रिफ्रेश भी कर दिया, आप देख सकते हैं। एंड उसके बाद देखते हैं यहाँ पे ऐड हुआ कि नहीं। तो देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी सीन ऐड नहीं हुआ, मतलब कि अभी तक किसी ने इस पिक को नहीं देखा या स्टोरी को नहीं देखा। तो चलिए अब हम चलते हैं बैक और उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम अपना इंटरनेट जो है उसे ऑन ही रहने देते हैं एंड उसके बाद फिर से हम अपना फर्स्ट वाला अकाउंट एंड उससे हम अपनी स्टोरी देखेंगे। तो मैं यहाँ पे अपना अकाउंट सर्च कर लेता हूँ, ये आ गया मेरा अकाउंट और मैं यहाँ की स्टोरी देख लेता हूँ। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ से फिर से इस बार हमने अपना इंटरनेट ऑन रखा है, उसके बाद हमने ये स्टोरी देखी है। अब क्या करना है, आपको सिंपली बैक आ जाना है। अब मुझे फिर से चलना पड़ेगा मुझे अपने फर्स्ट अकाउंट पे चलते हैं और देखते हैं इस बार हमारी जो स्टोरी सीन ऐड हुआ है या नहीं। तो हम यहाँ पे चलते हैं, उसके बाद देखते हैं कि देखने से पहले हम एक बार इसे रिफ्रेश कर लेते हैं, एक दो बार रिफ्रेश कर लेते हैं एंड उसके बाद हम स्टोरी पे क्लिक करेंगे और आप देखेंगे यहाँ पे सीन बाय वन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब मैंने इंटरनेट ऑन करके देखा तो यहाँ पे सीन हो गया एंड जब मैंने
इंटरनेट ऑफ करके देखा था तो यहाँ पे सीन ऐड नहीं हुआ था। तो आप भी इसी तरीके से किसी की भी स्टोरी देख सकते हैं और उसे पता भी नहीं चलेगा। सो दोस्तों, कैसे लगी आपको मेरी ये ट्रिक? अगर आपको ये ट्रिक थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को कर दीजिए लाइक, एंड चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि मैं कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय।